प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कॉपी के मूल्य में 9 रुपए का अंतर है, पुराने वाले का 7 रुपए की दर से प्रिंट होता था, नए वाले के दर में 16 रुपए का किधर से पेमेंट होता हो रहा है। पुराना वाला कलकत्ता के पार्टी ने छापा था, नए वाला लखनऊ के पार्टी से छाप रहा। पहले वाले जो आउटसोर्सिंग जो पटना की है वो अपनी सर्विस चार्ज में 5% चार्ज करता था, और जो पूर्व वीसी ने जिसको अपॉइंट किया आउटसोर्सिंग में तो वो 14-20% का उसने मार्जिन रखा है सर्विस चार्ज में, जहाँ पर 9% यहाँ भी बढ़ जाएगा। होता है 2015 से 2021 तक में अब तक जितने भी पेमेंट हुए हैं वो 6 करोड़ के से अधिक ही का आप मान लीजिए उसको, क्योंकि उसमें 23 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंट्रेक्चुअल आधार पर नियुक्त हैं। तो मैंने पूछा कि ये बहाली का आदेश आपको किससे मिला, और बहाली का आदेश जिसने दिया वो कितने लोगों को रखने के लिए दिया, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। वित्तीय निमित्ता और भी दूसरे शब्द से उसको संबोधित किया जा सकता। मेरे साथ हैं मौलाना मजहरुल हक, अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस। सबसे ज्यादा चर्चा सर के एक लेटर से है जिसने कई यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मौलाना अब मजहरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी में 6 करोड़ का वित्तीय अनियमितता का मामला सामने उठाकर सर ने एक मैसेज दिया है कि हर लोग कानून को ताक पर रखकर काम नहीं करते हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि कैसे और किस प्रकार ये सारी चीजें 2 से 3 महीने में इन्होंने फाइंड आउट किया और क्या है पूरा मामला। सर प्रभात खबर में आपका स्वागत है। सर ये जो आपका चिट्ठी है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपने इस पे भी सवाल किया कि चिट्ठी कैसे वायरल हुई, लेकिन वायरल हो गई है, तो सर ये पूरा मामला क्या है? अभी तो मैंने 2 बातों को उजागर किया है, उसमें एक आउटसोर्स पर वर्कर्स की बहाली का संबंध है और दूसरे में आंसर बुक और आंसर शीट के प्रिंटिंग का संबंध है, और दोनों में पुराने और नए में जो दर का अंतर है वो 9 रुपया और 9% है। तो इसका भुगतान का जब मेरे सामने फाइल आई तो मैंने इस पर गहन अध्ययन करने के बाद इसका भुगतान, मैंने एक का भुगतान तो मैंने रोक दिया मैन पावर वाला, और दूसरे का भुगतान इसलिए मैंने किया क्योंकि हमारी यहाँ परीक्षाएं चल रही थी और उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता भी थी, और उत्तर पुस्तिका जब तक नहीं रहती तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ बाधित हो सकती थी। तो मैंने देखा कि पूर्व के कुलपति इस पर एक करार कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि बाद में इसको देखा जाएगा, पहले कॉपी का डिलीवरी ले लिया जाए और उसके बाद फिर उसका भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। लेकिन मैंने देखा कि इसका GSM का निर्धारण अभी नहीं हुआ। GSM कहते हैं उस चीज़ को कि कॉपी की प्रिंटिंग, कॉपी का कागज़, कॉपी की क्वालिटी और इसकी जो मोटाई होती है उसका मापदंड का एक तरीका, उसको GSM का कार्रवाई कहते हैं, और GSM की कार्रवाई नहीं होने के कारण मैंने कहा कि इसके टोटल 28 लाख रुपए में से 20% काट के भुगतान कर दिया जाए। जब GSM सही पाया जाएगा तो फिर उसके 6 लाख निर्गत किए जाएंगे, अगर नहीं सही पाया जाएगा तो 6 लाख को रोक दिया जाएगा। सर ये दोनों के परसेंटेज में जो अंतर है इससे यूनिवर्सिटी पर कितना अतिरिक्त भार पड़ा? कॉपी के मूल्य में 9 रुपए का अंतर है, पुराने वाले का 7 रुपए की दर से प्रिंट होता था, नए वाले के दर में 16 रुपए का की दर से पेमेंट होता हो रहा है, होना है क्योंकि, और पुराना वाला कलकत्ता के पार्टी ने छापा था, नए वाला लखनऊ के पार्टी से छाप रहा, और आउटसोर्स में पहले वाली जो आउटसोर्सिंग XBDO कंपनी जो पटना की है वो अपनी सर्विस चार्ज में 5% चार्ज करता था, और जो पूर्व वीसी ने जिसको अपॉइंट किया आउटसोर्सिंग में तो वो 14-20% का उसने मार्जिन रखा है सर्विस चार्ज में, जहाँ पर 9% यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसकी गणना और हिसाब किताब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ सकता है कि अगर ये
खेल खेला जाते रहा तो वित्तानिमित्ता और भी दूसरे शब्द से उसको संबोधित किया जा सकता। सर एक और मामला है आपके यूनिवर्सिटी का कि बिना वित्तीय स्वीकृति के बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। हाँ 2015 में तत्कालीन कुलपति के माध्यम से ये नियुक्ति हुई है। नियुक्ति राज्य सरकार से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर हुई है और रिक्तियों में 54 पद आए थे जिसमें से 40 का विज्ञापन हुआ था। 40 बहाली हुई है जिसमें से 3 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो 37 कर्मचारी अभी भी बने हुए हैं जिनका बहाली के बाद ही 2015 में 40 में से केवल 22 का वेतन सरकार से आया था। दूसरे वित्तीय वर्ष में ये 13 का आया, उसके बाद ये 7 कर्मचारी का आया और 2021 में 0 नॉन टीचिंग के फंड में हो गया। तो ऐसी अवस्था में जो भी भुगतान किया जाएगा तो वो वित्तीय निमित्त में शामिल माना जाएगा। सर लेकिन पहले तो होता रहा, उसमें करीब 6 करोड़ रुपए का अनुमान है कि हाँ होता है। 2015 से 2021 तक में आप तक जितने भी पेमेंट हुए हैं वो 6 करोड़ के से अधिक ही का आप मान लीजिए उसको, क्योंकि उसमें 23 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंट्रेक्चुअल आधार पर नियुक्त हैं। तो जब कंट्रेक्चुअल की फाइल मेरे पास आई उसमें 23 कर्मचारी कंट्रैक्ट पर बहाल हैं, 23। तो मैंने पूछा कि ये बहाली का आदेश आपको किससे मिला और बहाली का आदेश जिसने दिया वो कितने लोगों को रखने के लिए दिया, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। बिना परमिशन के ही लोगों ने रख लिया। हाँ तो जब जवाब नहीं आया तो मैंने कहा कि अगर अगले महीने में इसका जवाब सटीक जवाब नहीं मिलेगा तो मैं इसको भी वेतन नहीं दूंगा, क्योंकि कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करने का एक नियम है जो राज्य सरकार के सर्कुलर के माध्यम से निर्धारित होता है। उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, उन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि आप 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करें और वो सरकार को मालूम होना चाहिए कि ये 5 सदस्य जो नामित सदस्य हैं वो सरकार तय करती है और चिट्ठी में भी अंकित किया हुआ है कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप कराइए। दूसरी बात, रोस्टर एजेंसी से जहाँ से रोस्टर अपॉइंटमेंट में क्लियर होता है वो रोस्टर भी क्लियर नहीं था, जिसका सवाल राज्य सरकार ने उठा दिया और बार बार विश्वविद्यालय से उसने पूछा है कि आपका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। दूसरी बात तो उसने उठाया कि 9 कर्मचारी आपके यहाँ ऐसे हैं जो ओवर एज पर अपॉइंटेड है, तो इसकी भी क्लैरिफिकेशन आप दीजिए। उसका भी क्लैरिफिकेशन विश्वविद्यालय ने ठीक तौर से नहीं दिया था, लेकिन मैंने उसका नाम खोल दिया। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारी ऐसी सारी बातों के लिए वित्तीय भार विश्वविद्यालय पे पड़ती है जबकि पढ़ना नहीं चाहिए। ये सरकार का विश्वविद्यालय है, सरकार के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सर एक सूचना ये भी है कि गवर्नर हाउस से ये एक लेटर इशू है कि आप जो है आउटसोर्सिंग पे जितने भी लोगों को रखिएगा उनके माध्यम से रखना है। आज के समाचार के 5वें पेज पर ऐसा न्यूज हमने भी पढ़ा है, तब मुझे भी अवगत हुआ, मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। समाचार पत्र में जो मैंने पढ़ा तो मुझे जानकारी हुई कि ऐसा कोई चिट्ठी निर्गत हुआ, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और मेरे सामने जो मामला आया उसका मैंने जो संज्ञान लिया अपने विवेक से ही लिया। सर ये आउटसोर्सिंग वाला ये एजेंसी क्या गवर्नर हाउस से ही काम कर रहा है या यहाँ लोकल स्तर का इस चीज का कुछ? पूरे गवर्नर हाउस का नाम नहीं लीजिए, पूरे गवर्नर हाउस में का नाम लेना उचित नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने को गवर्नर हाउस का साबित करता होगा और उसके माध्यम से उसका इस्तेमाल करके वह फोन करके ऐसा बात करता होगा, इसलिए इससे पूरे गवर्नर हाउस की बात आप नहीं कर सकते हैं। इस आदमी को चिन्हित करने की आवश्यकता। हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी के हीरो बने हुए प्रोफेसर कुमित साहब, उन्होंने अपने एक लेटर से पूरे शिक्षा जगत में हलचल मचा दिया है और यह साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।